4 3 2 1 0। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और मैं अभी अभी उठा हूँ, जस्ट 12 या 12 आते ही, ये देखो फवारे चल रहे हैं खेत में, बहुत ही अच्छा और अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो ये देखो आप, 2 घंटे से कंटिन्यू चल रहे हैं और वहाँ शायद पाइप फूटा हुआ है, वहाँ देखो पापा ने, मैंने बोला था, पापा ने कहा कि वो पाइप फूटा हुआ है, चले गए तो गए, क्योंकि ये तो ही पाना है वहाँ, तो ये भीग जाएगा ऐसे ही, जैसे जीरे की फसल बोई हुई होती है ना, तो उसमें एकदम प्रोफेशनल टाइप आना पड़ता है इसको अच्छे से, तो ये तो ऐसे ही भीग जाएगा। सुबह सुबह का व्यू बहुत ही अच्छा आता है, आसमान बिल्कुल साफ सुंदर एकदम, और बाजरा पूरा लहरा रहा हरियाली से, इनको फुहारे पूरी तरह। ट्रैक्टर खड़ा है, देखते हैं पापा मम्मी क्या कर रहे हैं अंदर, क्या नहीं कर रहे हैं, पूरा दूर चूड़ हो गया। पापा बैठे हैं, पापा व्लॉग देगा, व्लॉग पापा ने भी देखा नहीं। और कर रही है काम में लगी है मम्मी, काम कर रही थी, क्या बोलते बिलाना कर रही थी, और मैं आ गया थोड़ा सा बाहर बाहर बैठ के, कोई काम करना है वो काम करता हूँ मैं। तो गाइस, मैंने मेरा काम कर दिया है और अब जाते हैं स्नान उनान करते हैं और फिर आगे क्या प्लान बढ़ता है, खाना ना खाते हैं, मम्मी बुला रही है, नाश्ता करेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर क्या होता है। तो गाइस, मैं अभी ये कर रहा हूँ नाश्ता में लाडू, मेथी के लाडू है, और ये है दही और मेथी के लाडू, दोनों साथ में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आज काफ़ी दिनों से मैं मथी रे खा रहा हूँ, काफ़ी दिनों, क्या साल, 2 साल से, ये इस बार ही हुए है ना मम्मी, पहले नहीं, हाँ साल में 2 बार होते हैं पापा के, बोया नहीं जाते बीज इसके, बाकी अच्छा है। देखो मम्मी ग्वारफली लेके आई है, ये काचर है, अभी बनाएंगे सब्जी, इसकी अच्छी होती है सब्जी। तो दोस्तों, आज L1 आदित्य सूरज पे जा रहा है, कभी उड़ान है इनकी 11:50 की उड़ी जाएगी। ये देखो कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, जाएगा 4 महीने का लगेगा टाइम, पूरी का अध्ययन कर रहा है, पूरी की किरणों का, an altitude of 648.7 kilometers and a relative velocity of 8.9 kilometers per second, which translates into an orbit of 235 by 19,500 kilometers. The injection event of Aditya L1 will be confirmed by tracking station at Kourou. Days of earthbound orbit raising, and eventually it will exit Earth's sphere of influence to reach Lagrange's point L1 in a journey spanning over 4 months. There it will be placed in a halo orbit around L1. This is how India's first observatory class space based solar mission. 40 सेकंड पर -40 सेकंड दोस्तों, सारी सेकंड किया जाएगा, -35 सेकंड -30 सेकंड 29 28 27 26 -25 सेकंड 24 23 बस कुछ ही सेकंड में ये उड़ने वाला है, -20 सेकंड PSM इग्निशन आरंभ से आओ, -15 सेकंड 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, 0. यस, ये उठ गया दोस्तों। यस प्लस 5 सेकंड्स। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल पी वन ट्रैकिंग पी थ्री ट्रैकिंग लिफ्ट ऑफ ऑफ पीएसएलवी C57 विद आदित्य L1 ऑन बोर्ड। प्लस 15 सेकंड्स। पीएसएलवी C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतरग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। नॉमिनल थ्रस्ट The bright fumes against a clear midday sky. अच्छा दोस्तों अच्छा लगता है बहुत देखते हैं लोग गर्व की करता है यार बात तो अपने भारत का मतलब मेक इन इंडिया के ऊपर पूरा सपना शक कर रहा है दोस्तों। एक बात है जैसे पहले उड़ा कितना बड़ा था अब उसका टुकड़े पूरे समुद्र में टूट के नीचे गिर गए बाकी इतना सही बस है। देखो ये इतना सही पूरा जाएगा इसका सफर का। देखो पूरे वैज्ञानिक लगे हुए हैं दिन रात मेहनत करते हैं अच्छा लगता है। तो दोस्तों मैंने कर लिया स्नान और टाइम हुआ है 1 बजे और अभी खाऊंगा खाना। मम्मी बुला रही है कि खाना तैयार है। खाना ना खा के फिर रेस्ट करेंगे। शाम को मिलते हैं आपको। हेलो दोस्तों गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो गया है 6 बजने को आए हैं और अभी मैं बैठा हूँ कमरे के ऊपर अकेला हूँ कोई नहीं है और मामा और मामी हमारे घर पर आए हुए हैं आज। तो आपको मैं बताता हूँ मैं ऊपर हूँ वो नीचे है आंगन में। शाम को बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है। देखो उस साइड फुहारा चल रहे थे वो उस खेत में और ये देखो उस तरह से है सूर्यास्त होने को आया है थोड़ा सा बच्चा है और मामा मामी आए हुए हैं। मैं बताता हूँ आपको नीचे जाके बताता हूँ डायरेक्ट पापा सब सो रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और हमारी गांव वहाँ खड़ी देखो दूसरे वाले खेत में जो हमारा ही खेत है ये बीच में सड़क है यहाँ से हमारा खेत वहाँ थोड़ा तो थोड़े तक जाता हुआ। तो क्या दोस्तों मेरा ननियाल पास में पड़ता है 2 किलोमीटर दूरी है हमारे घर और मेरे ननियाल से। जब भी मैं जोधपुर या बाड़मेर जाता हूँ ना तो मेरे ननियाल बीच में ही पड़ता है तो मैं आता जाता रहता हूँ। तो मैंने मामा को कॉल किया छोटे मामे हैं मेरे बड़े मामे एक बड़े मामे हैं एक छोटे मामा है। तो छोटे मामा को कॉल किया मैं कहा आ जाओ फ्री हो तो उन्होंने कहा ठीक है आते। मामू और मामी दोनों ही आ गए। मैं ऊपर था अब नीचे जाता हूँ क्या करते हैं वो उनसे मिलाता हूँ आपको। ये है क्या हाल चाल है? बढ़िया जॉब है। बढ़िया हाँ। आप आ गए मैंने कॉल किया हाँ। ये आ गए मामो देखो छोटे मामे हमारे और ये भैया के साथ देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? विलन। अच्छा विलन। अरे ये मेरे काके का लड़का सरवण पापा बैठे हैं वो है मामी खड़ी है वहाँ देखो मामी शर्मा रहे हैं। क्या हुआ? सब शर्मा रहे मेरे से। चल देखो इन्हें मामे की बाइक ये लेके आए वहाँ मेरी ये ट्रैक्टर है हमारा। इस खंबे का हाल देखो आप दोस्तों। ये खंबे को 5-6 बार बोल दिया है बिजली घर वालों को। मैंने कहा पापा को बोला पापा ने कहा मैंने 5-6 बार बोले लेकिन खंबा नहीं हटा रहे। ये देखो पूरा टूट चुका है देखो। वैसे वहाँ नया लगा दिया ये वो वाला और ये वाला। वैसे गिरेगा नहीं तो भी खतरा तो रहता ही यार वो भी गिरने वाला है। और ये तो देखो पूरा इसकी हालत ही देखो आप पूरी नष्ट ही होने का आया पूरा पूरा। वाह देखो सूर्य कितना अच्छा अस्त होते दिख रहा है। मम्मी 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 कटे जावे मम्मी जा रही है फलिया सूटने। मामू मामी ये क्या ये है ग्वार। आपको कल पिछले वाले ब्लॉग में आपको मैंने बताया था ये है ग्वार। देखो मम्मी और मामी दोनों ही ग्वार फलिया सूटेंगे ये वहाँ। और ये सुबह है ना इस लैंड से ये ग्वार बिकोया पूरा पूरा।
क्योंकि अभी इस पर ज़्यादा फलियाँ नहीं आई है, क्योंकि लेट बोया था पापा ने, तो अभी लगने लग गई है। ज़्यादा तो नहीं है, बस लगी है अभी। देखो सब्जी हो जाती है फिर अपनों क्या करना, बाकी तो फलियाँ कम लागू रही मम्मी खड़ी भाजी तो अभी मम्मी बोली अभी लगने लगी। देखो समार बोले है नहीं, समार लगने से मतलब फलियाँ लाग ही ज्यादा। वो मेरे ताऊ जी का खेत और वो घर, और उस साइड है मेरे काके का, वो अभी दिख नहीं रहा है उस साइड का, हमारे पास ही घर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो पापा भी आ गए फलियाँ सूटने के लिए। मैं के मामे मम्मी पापा मम्मी से सबसे मिला लिया। दोस्तों शाम होने को आई है, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मामी मामू मम्मी गाय धो रही है, देखो मामी वहाँ खड़े हैं, पापा बैठे हैं, ये देखो और क्या हाल है, बढ़िया। गाय कितना किलो दूध दे, 500 किलो दे दे यार, 500 किलो दूध दे। अच्छा कटोब लाया थे दोनों, ये गाय थे दोनों ही क्या साथ है, कितना हजार दिया, 40-45 हजार। ओहो मूंगी भूडी लाया हो, मेरा ही कौन। शाम होगी और मामा और गजब है, गायो लेनी है कितनी, कोई हुआड़ी है कोई गाय, गाय हुई है बहुत बढ़िया गाय हुई है। आजा ये 50,000, 8,000, 70,000। ओहो यू 20 किलो दूध देती है। अच्छा एक खोखो पूरा है। पापा के दूर रहना इनसे के, मम्मी गाय दूर ही है बैठे थे, क्योंकि गाय और मामू और पापा ही लेके आए थे, तो ऐसे ही मजाक की थी मैंने, तो मम्मी गाय दूर ही है। तो दोस्तों इस व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, अगले नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ आपको जल्दी। बाय बाय।